गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सृष्टि और इस पर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक गुड न्यूज़ के साथ। तो चलिए बताते हैं कि वो गुड न्यूज़ क्या है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दिसंबर 2019 में आयोजित होने जा रही सीटेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपको बता दो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है या किसी कारणवश मिस कर दिया है या आपने क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप भी दिसंबर 2019 में होने वाले एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो बता दूँ चलिए कि आप कब आवेदन कर सकते हैं और इसकी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि फ़िलहाल तो इस परीक्षा के लिए शॉर्ट नोटिस ही जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा का 13वां संस्करण 8 दिसंबर 2019 को आयोजित किया जाएगा। CBSE बोर्ड इसे लेकर ऑफिशियल वेबसाइट CTET NSE.in पर 19 अगस्त 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो चलिए जानते हैं CTET 2 दिसंबर 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण डेट। 19 अगस्त 2019 को जारी होगा सीटेट दिसंबर का फुल नोटिफिकेशन। 19 अगस्त 2019 से कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 18 सितंबर 2019 होगी इसकी लास्ट डेट और 23 सितंबर 2019 तक जमा कर सकेंगे फीस और 8 दिसंबर को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में जुलाई में आयोजित सीटेट परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था और इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है, कक्षा एक से पाँचवीं कक्षा के लिए पेपर नंबर 1 और 6 से 8वीं कक्षा तक के लिए पेपर 2 का आयोजन होता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए आवेदक को 60% अंक चाहिए होते हैं। आपको बता दें जनरल के लिए 90 नंबर और OBC, ST के लिए 82 नंबर यानी 82 नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं। तो आपको बता दें जो आवेदक इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं या वो भी दोबारा अंक सुधार के लिए पेपर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब